वेलकम बैक माय चैनल केयर होम विद टीना। फ्रेंड, आज का ये आइडिया बहुत ही पसंद आएगा। आप अपनी दादी, नानी, मम्मी को ये बनाकर दे सकते हैं और ये बनाना बहुत ही आसान है। जी हाँ फ्रेंड, जब भी इन्हें कुछ इस तरह से अपने साथ ले जाना होता है ट्रैवल्स में, तो इस तरह से अपने साथ गोल्ड है, कैश है, उसे आसानी से ले जा सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ 9 इंच की लंबाई और 4.5 इंच की मैंने चौड़ाई का एक पीस लिया है और इस तरह से हमें इस पर इस तरह से अपनी जो चैन है इसे रख देना है। इस तरह रखने के बाद, इस तरह से सिलने के बाद, इसके ऊपर से हमें फिर से एक और सिलाई लगा देना है और इस तरह से इस कपड़े को उल्टा रखकर यहाँ सिल लेना है और फिर इसे इस तरह पलटा कर इस पर भी हमें टॉप सिलाई कर लेनी है और फिर दोनों बाजू से हम इस तरह से इसे सिलकर कंप्लीट कर लेंगे। और देखिए फ्रेंड, इसे मैंने सेफ्टी पिन से लगाया है, जिससे आपको जब भी किसी और कपड़े में लगाना है, पेटीकोट में लगाना है, लेगीस में लगाना है, प्लाजो में लगाना है, जहाँ पर भी लगाना है इसका लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही कन्वीनियंट है। और फ्रेंड, मैंने अभी ट्रैवल किया तो 10 डेज मैंने इसी तरह से इसका यूज़ किया, बहुत ही काम का है, तो इसे ज़रूर से तैयार कीजिए। अब देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरह के छोटे छोटे से कपड़े बच जाते हैं ड्रेस मटेरियल्स के हमारे पास, तो अब इनका हम क्या ही करें, लेकिन बहुत ही अच्छा सा इसका यूज़ हो सकता है। फ्रेंड देखिए, ये नीचे का कपड़ा जो है वो पैंट का था और इस तरफ का था वो कुर्ते का था। अब इस तरह से मैंने इस पर जो है निशानी कर ली है, तो 32 इंच इसकी मैंने लंबाई और चौड़ाई में 18 इंच का ये कपड़ा लिया है और इसे आपस में मैंने जोड़ दिया है और इसके ऊपर मैंने फॉर्म शीट लगा दी है। आप चाहे तो यहाँ पर और भी राइस बैग का भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखो, बीच में लगाने के लिए अगर आपको 5 इंच का इस तरह से पीस मैंने तैयार किया है और इसके बीच में मैं से इस तरह से कट कर रही हूँ, जिससे मुझे 2 इंच का इस तरह से पीस मिल जाए। जी हाँ फ्रेंड, 2 इंच का इस तरह से हमें फॉर्म शीट से तैयार करना हार्ड हो जाएगा, लेकिन अगर हम इस तरह से तैयार करके बीच में सिलाई लगा कर इसे अलग कर लेंगे तो हमारे पास बड़ी आसानी से इस तरह के 2 पीसेस 2 इंच के तैयार हो गए। इसके पीछे भी मैंने कपड़े की एक पतली सी पट्टी लगा दी है जो 1.5 इंच जितनी है और इसे इस तरह से इसको पाइपिंग कर दिया है। फ्रेंड, ये बहुत ही अलग तरह का और मार्केट में मिलने वाला महंगा सा बैग मैं तैयार कर रही हूँ और इसकी जो बेल्ट है वो है 28 इंच। इन दोनों बेल्ट को हमें इस तरह से यहाँ पर रख देना है और सिल लेना है और बाद में 2 इंच की पट्टी हमने जो तैयार की थी ना, उसे इस पर यहाँ पर रख कर सिलना है। इस तरह सिल लेने के बाद हमें इसे इस तरह से सीधा करना है और इसके ऊपर भी हमें एक सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते वक्त हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमारे बेल्ट इस तरह से ऊपर की साइड रहे और इस तरह से हम दोनों साइड पर सिलाई कर लेंगे। सिलाई कर लेने के बाद हमें बैग का एक बहुत ही अच्छा सा लुक वाला बैग मिलेगा। जी हाँ, हमेशा हमारी चेन ऊपर की बाजू लगी रहती है तो हमें अच्छा नहीं लगता, वो मार्केट लुक नहीं लगता है, तो ये बिल्कुल मार्केट लुक की हमारी बैग तैयार भी हो जाएगी और आप देखेंगे तो बनाना बहुत ही आसान है। अब बीच में हमने पहले से ही पाइपिंग कर ली थी तो हमने जो जीपर है हमारी उसे सीधा इस तरह से रख कर हम आसानी से इस पर सिल सकते हैं और हम इस तरह से इसे सिल कर कंप्लीट कर लेंगे। अब बैग को हम उल्टा कर लेंगे। बैग को उल्टा करने के बाद हम इसे दोनों बाजू से सिल कर इस पर हमें कवर सिलाई इस तरह से कपड़े की मदद से कर देनी है। इस तरह से कर लेने के बाद हमारी बैग को हमें नीचे से 2.5 इंच का मैंने जो है इस तरह से इस पर स्क्वायर बनाना है। इस तरह से स्क्वायर बना लेने के बाद हमें इसे कट कर देना है और कट करने के बाद हमें इस बैग को क्रॉस सिलाई कर लेंगे। फ्रेंड, इस तरह की बैग मार्केट में काफ़ी कॉस्टली मिलती है, देखकर आपको लगता है कि इसे बनाना बहुत हार्ड होगा, हम कैसे तैयार करें, तो आज मैंने बिल्कुल इजी वे में इसको आपके साथ शेयर किया है, वो भी बिल्कुल अपने पास जो कपड़े के बचे हुए कतरने रहती है बस इसी का हमें उपयोग करना है। तो फ्रेंड, जब भी आप सिलाई करते हैं खुद तब तो बहुत ही कतरने होगी आपके पास, लेकिन अगर आप सिलाई नहीं करते हैं, नए ड्रेसेस सिलवाते हैं, तो ज़रूर से आप बोल सकते हैं अपने टेलर को कि वो बचे हुए कपड़े के टुकड़े आपको दे दे और इसमें से देखिए कितनी प्यारी सी हमारी बैग रेडी हो गई। और हमने जो ये एक्स्ट्रा से 2 इंच का जो सिला था उसे इस तरह से अंदर की बाजू हमें मोड़ देना है और इसके बाद हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है, जिससे हमारी जीपर कहीं पर भी नज़र नहीं आती और फ्रेंड बहुत ही अच्छा सा मार्केट लुक का बैग हमारा रेडी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, ऊपर से हमें सिलाई कर ली है तो इसके बाद ये बहुत ही प्यारा से लुक का तैयार हो गया है, है ना, बहुत ही ईजी। कैसा लगा ये आइडिया फ्रेंड्स? अगर चैनल में नए हैं और अब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा और लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि हमने तो इसे बिल्कुल छोटे से कपड़े के टुकड़े से तैयार किया है। आप भी इसे तैयार कर सकते हैं और इसे महंगा सा लुक दे सकते हैं। मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।